चलिए जानते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस। राहिल प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय, माय नेम इज मोहम्मद राहिल एंड आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। आई हैव टेकन एडमिशन इन MBBS बांग्लादेश सेशन 21-22। सो व्यूअर्स, सेकेंडली कमिंग टू मोहम्मद ओवैस, सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ओवैस। माय नेम इज मोहम्मद ओवैस, आई एम फ्रॉम मुरादाबाद यूपी एंड आई हैव टेकन एडमिशन इन MBBS इन कॉलेज डायबिटिक एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज इन सेशन 2021-22। ओके, थैंक यू वेरी मच ओवैस। सो जो पूछना है वो है व्हाई पर्टिकुलर बांग्लादेश एंड व्हाई पर्टिकुलर डायबिटिक एसोसिएशन, प्लीज शेयर एक्सपीरियंस। राहिल, फर्स्ट ऑफ ऑल बांग्लादेश के अंदर MBBS मेरे लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि वहाँ का जो सिलेबस है मोस्टली सेम है एज इंडिया एंड फूड हो गए, एनवायरमेंट हो गए, ऑलमोस्ट जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, सेम ऑथर्स का, सेम बुक्स है। सो ओवैस, प्लीज तुम कुछ बताओ व्हाई पर्टिकुलर बांग्लादेश एंड व्हाई यू हैव टेकन एडमिशन इन डायबिटिक एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस टू द व्यूअर्स। बांग्लादेश इज वन ऑफ द बेस्ट, हैज बेस्ट MBBS एंड हियर द ड्यूरेशन इज ऑलमोस्ट सेम एज कम्पेयर टू इंडिया फॉर 5 years and the environment, food and all the things are same. So moving on to the next point, so तुम लोग का पता है कि मतलब NMC का एक न्यू गैजेट पब्लिश हुआ है जो कि 18th November, तो तुम लोग तो बांग्लादेश को सिलेक्ट किए हो, बट मोर ओवर मतलब अभी का जो सिचुएशन चल रहा है तो उसी को हिसाब से NMC का जो रूल्स है तुम लोग को क्या कहना है कि कितना मैच कर रहा है, बताओ। According to NMC, the new rule is the duration of MBBS course should be 54 months, but in Bangladesh, the duration is 5 years, means 60 months, so it is best. And there is one rule more, the internship of MBBS should be 1 year, and in Bangladesh, there is compulsory 1 year internship. And one more thing. The mode of study should be in English and in Bangladesh the mode of study is English. So Bangladesh is best. Okay, बिल्कुल तुमने ठीक गेज किए हो। तो ये जो थ्री चीजें हैं, जो थ्री पॉइंट्स हैं, वो बिल्कुल मैच करते हैं बांग्लादेश के लिए। सो तुम दोनों के लिए पाइस एडुकेयर के तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर एंड ब्राइट फ्यूचर। So thank you very much.